पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को देश का नया उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। रविवार 28 अप्रैल को सरकार ने डार की नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डार का यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अगले आदेश तक की गई है। इशाक डार को मार्च महीने में पाकिस्तान की कैबिनेट विस्तार के बाद 19 सांसदीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया था। तब उन्हें विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें, पाकिस्तान के आखिरी डिप्टी पीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद यानी पीएमएलक्यू के नेता परवेज इलाही थे। वे पाकिस्तान के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का पद संभाला है। इलाही को 25 जून 2012 को देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, जब तत्कालीन सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद पीएमएलक्यू ने केंद्र में एक राजनीतिक गठबंधन था। इशाक डार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। वे मूल रूप से कश्मीरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। चार बार के वित्त मंत्री रहे इशाक डार शरीफ परिवार के करीबी माने जाते हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हो रही जब देश इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से बेल आउट पैकेज लेने की कोशिश कर रहा है।